हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू इंडिया थी। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी ड्रेस कैसे बनाए वो बताने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो फैब्रिक्स को मिलके बनाया हुआ है। ऐसी ड्रेस मैंने Shein.com पे देखी थी, जहाँ वो बहुत ही कॉस्टली थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर पे बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ, जैसे आप भी बना सकें। तो आप ये देख सकते हैं, आज मैं यही बहुत ही प्यारी सी ट्रेंडी सी ड्रेस बताने वाली। तो जिसकी टोटल लेंथ 55 इंच है, बॉडी इसका 14 बन के आना चाहिए और स्कर्ट 39। एक्स्ट्रा मार्जिन सब में एक एक हम 1 या 2 इंच जोड़ेंगे एक्स्ट्रा। जो शोल्डर है मैं 8 इंच और आर्म होल भी 8 इंच ले रही हूँ। शोल्डर स्लोप 1/2 इंच ले रही हूँ। शोल्डर और आर्म होल आप दोनों सेम रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। और ये डबल एक्सल साइज की बता रही हूँ मैं। चेस्ट 40 है, उसका 1/4 10, और उसमें 1.5 इंच में एक्स्ट्रा जोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं लूज़ फिट पहनती हूँ। अगर आप फिटेड पहनते हो तो 1 इंच जोड़िएगा। और वेस्ट है 10.5, इसमें हिप की मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए, दो तरह का फैब्रिक मैं ले रही हूँ। ये एक स्ट्राइप फैब्रिक है, थोड़ा सा बचा हुआ, मैंने अपने बेटे की जैकेट बताई थी ना, उसी फैब्रिक से बचा हुआ ये है। तो उसी बचे हुए फैब्रिक को हम अपने इस 2 मीटर के फैब्रिक में ऐड करके ये ड्रेस बनाएंगे। तो इन्हीं बचे हुए कपड़ों से हम बहुत ही प्यारी सी आज ड्रेस बनाने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बॉडीज के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ करेंगे, और मैंने दोनों पल्लों को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। और जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने लेंथ 15 इंच ली है, 14 मुझे बन के चाहिए, 1 इंच एक्स्ट्रा, तो मैंने 15 लिया है। तो मैंने जितना चौड़ाई मुझे चाहिए और जितनी लंबाई चाहिए उतना बॉडी पार्ट के लिए निकाल लिया फैब्रिक। और 8 इंच, जैसा कि मैंने बताया था, मैं शोल्डर के लिए मार्क कर रही हूँ, और 8 ही इंच मैं करूँगी आर्म होल के लिए। ये डबल एक्सल साइज में आप अपनी साइजिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग करिएगा। तो इस तरीके से हम मार्क करने के बाद एक बॉक्स बना लेंगे इन पॉइंट्स को जोड़ करके। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, 11.5 पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लूज फिट पहनती हूँ। अगर आप फिटेड पहनते हैं तो 1 ही इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करिएगा। और वेस्ट 10.5, जो कि लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। सिर्फ हमें इस ड्रेस में वेस्ट और चेस्ट की ही मार्किंग की ज़रूरत है, हिप की नहीं ज़रूरत है। तो उसके बाद हम अपना जो आर्म होल का कर्व करते हैं उसकी मार्किंग करेंगे। तो मैं बैक के लिए 1.5 इंच पे कर रही हूँ। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद सिंपली इस रूलर से आप कर्व दे सकते हैं, नहीं है तो आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं, है तो इससे दे सकते हैं, नहीं तो आप आराम से फ्री हैंड भी दे सकते हैं। उसके बाद फ्रंट के लिए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 पे इस तरह मार्क करेंगे। 1/2 इंच बाहर आउटर साइड में मार्क करने के बाद इन पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे। आप कम साइज में हैं तो आप अपने शोल्डर और आर्म होल और आर्म होल का कर्व ये सब कम करते जाएंगे। अब मैं अपना जो गला है वो मार्क कर रही हूँ, 3 3.5 इंच में ले रही हूँ। आप अगर छोटी साइज़ में 2.5 और 3 स्टैंडर्ड होता है गले का, पर मैं 3.5 ले रही हूँ। और शोल्डर स्लोप 1/2 इंच पे कर रही हूँ। तो इस तरह शोल्डर स्लोप के लिए हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद गले की डीपनेस के लिए मैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्क कर लूँगी 3 इंच पे, और इसको हम गुलाई दे देंगे। फ्रंट और बैक दोनों के लिए मैं गुलाई दे रही हूँ, सेम दोनों एक तरह से कटेगा। तो चलिए हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। लगभग बॉडीज के पार्ट की सारी ही हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब फ्रंट और बैक पल्ले को अलग अलग मैंने कर लिया, और जो फ्रंट वाले पल्ले में अलग से हमारा कर्व वो होता है, उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद फ्रंट पल्ले को इस तरह खोल के प्रेस करके बीचों बीच एक मार्क बना लेंगे और इसको कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम प्लेकेट बनाएंगे और बटन्स लगाएंगे, जैसा कि आपने पहले देखा होगा। तो इस तरीके से हम बीचों बीच कट कर लेंगे।
और अब चलिए हम सिलाई वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो देखिए, इन दोनों को फिनिश करने के लिए इस तरीके से मैंने प्लेकेट बनाया है। एक चौड़ी सी पट्टी लेंगे और दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करके उसको मोड़ लेंगे, और फिर मोड़ के इस तरह से हम दो पट्टियाँ तैयार करेंगे जिससे हम दोनों पल्लों को फिनिश करेंगे। तो इस पट्टी को देखिए, खोलने के बाद इस तरीके से है और हम रॉन्ग साइड में इसको लगाएंगे और सीधे साइड में पलटेंगे। तो इसको आप कई तरीके से फिनिश कर सकते हैं, सीधे साइड में लगा के रॉन्ग में पलट सकते हैं, रॉन्ग में लगा के सीधे पलट सकते हैं। आपको कैसा चाहिए, पट्टी दिखनी चाहिए या पट्टी नहीं दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, हमने प्रेस करके सीधे साइड में अच्छे से बिठा लिया है। अब एक हम सिलाई ऊपर से चला देंगे। तो प्लेकेट बहुत तरीके से बनते हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। तो उसके बाद हम एजेस पे भी एक सिलाई चला लेंगे। तो देखिए, हमारी पट्टी बिल्कुल अच्छे से लग चुकी है। इसी तरह दूसरे पल्ले पे भी हम पट्टी अपनी लगा लेंगे। तो देख सकते हैं, हमने दोनों पल्लों पे अपनी पट्टी लगा ली और जहाँ जहाँ हमें बटन लगाना वहाँ मार्क भी कर लिया है। तो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हम प्लेस करेंगे और जहाँ मार्क किया है वहाँ इन बटन्स को सुई धागे की सहायता से टाँक लेते हैं, और जिससे ये हमारा बंद भी हो जाएगा फ्रंट और हमारे बटन्स भी लग जाएंगे। तो चलिए हम टाँक लेते हैं। तो देखिए, टाँकने के बाद इस तरीके से दोनों पल्ले एक साथ जुड़ चुके हैं और बटन भी लग चुका है। अब हम अपने कंधों को जोड़ेंगे, फ्रंट और बैक जिससे जुड़ जाएगा। उसके बाद जो राउंड में हमारा गला बचा हुआ उसको हम फिनिश करेंगे। तो चलिए अपना कंधा जोड़ लेते हैं दोनों। अब कंधा जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं, जो राउंड वाला गला ऊपर का है, जो 3 इंच में हमने कट किया था, उसको इस बायस स्ट्रिप की सहायता से हम अपना फिनिश करेंगे। तो इसको मैं रॉन्ग साइड से ऐड करूँगी और सीधे साइड में पलट दूँगी जिससे ये हल्का सा पाइपिंग जैसा स्ट्रिप आए। और अगर आप इतना नहीं चाहते हैं कि बाहर साइड में दिखे, तो आप सीधे साइड से लगाइएगा और रॉन्ग साइड में पलट दीजिएगा। तो मैं रॉन्ग साइड से लगा रही हूँ और इसको सीधे साइड में पलटूँगी। तो देखिए, इसको सीधे साइड में हम डबल फोल्ड करके, जैसे सिंपली हम करते हैं उस इस तरीके से डबल फोल्ड करके ऊपर से सिलाई चला लेंगे। तो देखिए, हमारा राउंड वाला गला भी बहुत अच्छे से फिनिश हो चुका है, एक अच्छी सी पट्टी बन गई है। अब हम अपने बॉडी पार्ट में अपने स्लिप्स को दोनों तरफ जोड़ लेंगे। तो ये स्लिप्स मैंने कैसे बनाए, बहुत ही कम फैब्रिक में ये बेल स्लिप मैंने बनाई है, और इससे पहले मैंने वीडियो शेयर किया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर चेक करिएगा कि ये स्लिप मैंने कैसे बनाई है, बहुत ही कम कपड़ों को जोड़ जोड़ के मैंने बनाया है, और मैं लिंक भी दे दूंगी। तो प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा कि ये स्लिप्स कैसे बनी है। तो हम दोनों तरफ अपनी स्लिप्स को जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पूरा बॉडीज़ का पार्ट तैयार करेंगे, उसके बाद जो नीचे स्कर्ट घेरा वाला पार्ट है उसका हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें पूरी बॉडीज़ का फिटिंग, स्लिप्स सब कुछ कर लेना है। तो देखिए, हमने स्लिप्स दोनों तरफ लगा दी है। अब हम अपनी जो फिटिंग की मार्किंग थी उसके अकॉर्डिंग सिलाई चला लेंगे। तो दोनों तरफ से हम अपनी चोली को फिटिंग पे सिलाई चला लेंगे। उसके बाद जो स्लिप्स का राउंड वाला पार्ट है, इसको डबल फोल्ड करके हम सिलाई चलाते हुए हेम बना लेंगे।
तो हेम अगर आप पूरा स्लीव सिलने के बाद अगर इस तरह गोलाई में बनाते हैं तो स्लीव्स का जो हेम है बहुत अच्छा लगेगा, बेल स्लीव्स का स्पेशली। तो बेल स्लीव आप अगर आप लगा रहे हैं तो बाद में ये हेम करें तो अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारा स्लीव्स भी दोनों हेम तैयार हो चुका है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं फिटिंग भी लग चुकी है दोनों तरफ से। अब ये पूरा जो गोलाई आई है इस गोलाई को आप नाप लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा स्कर्ट का प्लेट्स डाल के बनाना। तो ये देखिए बॉडी पार्ट और स्लीव्स निकालने के बाद इतना कपड़ा मेरे पास 2 मीटर में से बचा हुआ है। ये फैब्रिक 2 मीटर था तो ये बीचों बीच से हम इसको सबसे पहले कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 पल्ले इसके हो गए, 2 हमें स्ट्राइप वाले चाहिए। तो ये 2 पल्ले स्ट्राइप वाले हैं, चौड़ाई में मैंने 12 इंच का लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग 15 भी कर सकते हैं 10 भी कर सकते हैं, बट लेंथ दोनों फैब्रिक की बराबर होनी चाहिए। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी तो हम ट्रिम कर लेंगे, बट चौड़ाई आप मतलब अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए एक पल्ला इस साइड में जुड़ेगा और एक पल्ला इस साइड में जुड़ेगा और एक पल्ला पीछे जुड़ेगा। 4 पल्लों को जोड़ के हम एक सर्कल बना लेंगे गोल सा, तो इस तरीके से ये जुड़ेगा और पीछे साइड में ये बीच वाला ही पल्ला जुड़ेगा। तो इन 4 पल्लों को एक साथ 1 बाय 1 करके जोड़ना है, प्रिंटेड पे स्ट्राइप लगाएंगे फिर प्रिंटेड फिर स्ट्राइप, ऐसे करके हम सर्कल में बना लेंगे, 4 पल्लों को एक साथ जोड़ लेंगे। अभी जुड़ जाएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे जोड़ना है। तो पहले एक प्रिंटेड जो बीच वाला लेंगे और उसके बाद इसमें स्ट्राइप जोड़ेंगे, फिर प्रिंटेड जोड़ेंगे फिर स्ट्राइप जोड़ेंगे, बस इसी तरीके से हम कलियां जोड़ते हैं 1 बाय 1, वैसे ही जोड़ना है हमें। तो देखिए इस तरीके से हमने 4 पल्लों को जोड़ लिया है, साइड साइड में स्ट्राइप्स आ गए हैं और फ्रंट बैक में ये प्रिंटेड वाला फैब्रिक आ गया है। तो इस तरीके से हम अपने 4 पल्लों को जोड़ के सर्कल बना लेंगे, उसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स डाल के इस फैब्रिक को उतना करना है जितना कि हमारी बॉडीज था। तो पहले उसको नाप लीजिएगा, उसके बाद जितना आता है उसके अकॉर्डिंग आप ये बनाएंगे। प्लेट्स अंदाजे से मैं डाल रही हूँ, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर आपका जो बॉडीज का गोलाई में घेरा आएगा उससे डबल ये आपका फैब्रिक होना चाहिए। और अगर आप प्लेट्स नहीं चाहते तो आप गैदर भी बना सकते हैं, बट अगर आप बड़ी साइजेस में एक्सेल डबल एक्सेल में, तो मैं कहूँगी कि आप प्लेट्स को प्रेफर करें क्योंकि वो फूला फूला नहीं लगता है, गैदर थोड़ा सा फूला फूला लगता है तो आप थोड़े से हैवी लगते हैं। तो पर्सनल चॉइस, आप प्लेट्स चाहें तो प्लेट्स डाल सकते हैं और आप चाहें तो गैदर भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से राउंड में घुमा के प्लेट्स को हम डाल लेंगे और इसको बॉडी पार्ट के बराबर एग्जैक्टली बराबर हम बनाएंगे। प्लेट्स बनाने के बाद अगर आपको लगता है बॉडी पार्ट से ये छोटा रह गया तो आप थोड़ा प्लेट्स को ढीला कर लीजिएगा, बड़ा रह गया तो प्लेट्स को ज़्यादा डीप बना लीजिएगा। तो एक अंदाजे से ही आपको बनाना है, बस बॉडी पार्ट की गोलाई से ये फैब्रिक डबल होना चाहिए। तो देखिए हमारा प्लेट्स बन के रेडी हो चुका है। अब हम नाप लेते हैं कि हमारी बॉडी पार्ट के इक्वली है कि नहीं, और ऊपर से हम एक कच्चा भी चला लेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम कच्चा ही चला लेते हैं जिससे कि ये बाद में हमें अटैच करने में दिक्कत ना हो, पिन्स हाथ में बार बार चुभती हैं तो आप कच्चा करके पिन लगा निकाल सकते हैं। तो इन प्लेट्स पे एक सिलाई चला के हम बैठा लेंगे।
तो आप ये देख सकते हैं हमारी प्लेट्स बॉडी पार्ट के बराबर हो चुकी है, आप नाप लीजिए। उसके बाद बॉडी पार्ट से ये गोलाई में ही हम देखिए अपना स्कर्ट जोड़ लेंगे और पिन की सहायता से, और इसको हम सिल लेंगे। तो देखिए गोलाई में ही हमें लगाना है पूरे बॉडीज में। तो इस तरीके से हम पूरा गोलाई में स्कर्ट और बॉडी पार्ट दोनों को जोड़ लेंगे। साइड का तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ, हमें फिटिंग नहीं देना, बस आप स्कर्ट और बॉडी पार्ट जोड़ेंगे और आपका ये ड्रेस पूरा लगभग तैयार हो जाएगा। बाद में नीचे का हेम करना बाकी रहेगा। तो इस तरीके से एक सिलाई चला लीजिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो तो आप इंटरलॉक ज़रूर करिएगा आपके फैब्रिक में अगर ज़रूरत है तो। मैंने एक प्रिंटेड और एक स्ट्राइप का कॉम्बिनेशन चूज़ किया है। आप देखिए नीचे अब हेम को भी डबल फोल्ड करके आप सिलाई चला लेंगे। मैंने स्ट्राइप लिया, स्ट्राइप वैसे अभी बहुत फैशन में है, आप कहीं भी स्ट्राइप को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो स्ट्राइप ले सकते हैं और प्लेन फैब्रिक के साथ इसको इस ड्रेस को बना सकते हैं। मैंने एक प्रिंटेड और स्ट्राइप को कॉम्बाइन किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फैब्रिक चूज़ करिएगा, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छा ड्रेस बनेगा। फैब्रिक आप कोई भी अपने पसंद का चूज़ कर सकते हैं, पर ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करिएगा, बन के बहुत अच्छा लगता है। और ये ड्रेस मैंने शीन पे देखी थी और वहाँ बहुत महंगी थी, मेरे बजट से बाहर थी, तो मैंने सोचा हम खुद ही घर पे बनाते हैं और आपके साथ में भी मैं ये आइडिया शेयर करूँ, जिससे आपको पसंद आए तो आप भी ये बना सकें। तो प्लीज़ ये ज़रूर ड्रेस बनाइएगा। तो देखिए ये हमारी पूरी ड्रेस तैयार हो चुकी है। अब जहाँ पर ये ज्वाइंट आया था वहाँ पर भी एक बटन मैं लगा दूँगी, उसके बाद ये ड्रेस हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। तो आप ये देख सकते हैं हमारी पूरी ड्रेस तैयार है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। प्लीज़ 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 ट्राई करिएगा और कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे ड्रेस को भी आप पसंद किया करिए। तो अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक